तो अब जो कि यहाँ देख सकते हैं कि गुरुसेवक को यहाँ पर अंतिम विदाई अब देते हैं, गुरु को सलामी दी जाएगी। गुरुसेवक तो यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी है जा रही है। राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो प्रशासन जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव की आंखें नम है क्योंकि गुरुसेवक ने दूसरों की रक्षा करते हुए यहाँ पर अपनी जो जान है वो देश के लिए न्यौछावर की है। और अब यहाँ पर उन्हें फतेहपुरी गांव में यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरें, यहाँ पर गुरुसेवक को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो सभी राजनीतिक नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरा गांव यहाँ पर गुरुसेवक को श्रद्धांजलि देकर देने के लिए पहुंचा है। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि गुरु जो गुरुसेवक है उसकी जो श्रद्धांजलि में सभी देख सकते हैं कि एसपी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब गुरुसेवक को यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि हमारे फतेहाबाद की एसपी साहब यहां पर पहुंच चुकी हैं और अब गुरुसेवक को पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। अब देख रहे हैं लाइव तस्वीरें फतेहपुरी गांव। हम आपको बता दें कि गुरुसेवक सिंह कल जो न्यू के अंदर दंगे हुए थे, उन दंगों में वे पेट्रोलिंग के लिए दंगों को बंद करवाने के लिए वहां पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है जिससे उनकी वहां पर वे शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पर एक शहीद के रूप में गुरुसेवक सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जब उन्हें एम्बुलेंस से नीचे उतारा गया तो परिवार वालों की हिम्मत देखी, उनका कहना था कि रोए मत। उन्होंने पूरे गांव वालों से कहा कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, किसी को भी रोने की जरूरत नहीं है। हमने एक पत्नी का जो जज्बा देखा, एक उनकी जो दिलेरी थी वो देखी, क्योंकि जो शहीद होते हैं उनके परिवार में जन्म से ही उन्हें यह दिलेरी खून में मिलती है। और वही उन्होंने आज यहाँ पर साबित करके दिखाया है कि उनकी पत्नी बार बार कह रही थी कि जो मेरा घर वाला है वो देश के लिए शहीद हुआ है, किसी की आंखें नम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें दुख जरूर है यहाँ पर जाने का। और देख सकते हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर गुरुसेवक को है जो आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनका यहाँ पर संस्कार किया जा रहा है। तो माना कि डीएसपी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, एसपी जिला यहाँ पर पहुंचे हैं, जितने भी अधिकारी हैं जिले के वो पहुंचे हैं, सभी राजनेता आज गुरुसेवक की जो शहीदी है उन्होंने पूरे यहाँ पर देश को पूरे टवाना को एक साथ यहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो देख रहे हैं उन्हें अब यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो देख रहे होंगे आप एक शहीद होना देश के लिए, फौजी के लिए, एक पुलिस जो पुलिस में होते हैं उनके लिए गर्व की बात होती है। घर वालों को दुख तो जरूर होता है, एहसास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति घर से चला गया उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आज गांव को एक गर्व भी है कि उन्होंने देश के लिए यहां पर एसपी महोदय श्रद्धांजलि देते हुए गमगीन गम पूरा गांव यहां पर गम में डूबा है। पूरा प्रदेश अध्यक्ष सुहास बराला
गुरसेवक को श्रद्धांजलि देते हुए सरदार निशान सिंह, जितन खलेरी और जितने भी आला अधिकारी हैं, देख सकते हैं कि राजनीतिक नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हैं सभी, और गुरसेवक यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डीएसपी टोहाना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि गुरुसेवक की श्रद्धांजलि में सभी जुड़ चुके हैं आगे से आगे, इसको वीडियो को शेयर करते रहें। गुरुसेवक ने यहाँ पर एक शहादत दी है देश के लिए सलूक देते हुए, डीएसपी अगर पहुंचे हैं। पूरा यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे गांव की आंखें यहाँ पर नम हैं और नम आंखों से शहीद गुरुसेवक अमर रहे, शहीद गुरुसेवक अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो देख रहे होंगे आप शहीद अमर सिंह के यहाँ पर, गुरुसेवक शहीद अमर रहे के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं गांव वालों की तरफ से। ऐसे जो दंगे होते हैं प्रशासन को रोकने की जरूरत है, क्योंकि इन दंगों में किसी माँ का बेटा, किसी भाई का, बहन का भाई और किसी पति का, पत्नी का पति चला जाता है, लेकिन जो जातीय दंगे हैं ऐसे दंगों को प्रशासन को रोकना चाहिए ताकि कोई किसी माँ का बेटा ऐसे उनसे ना बिछड़ पाए। बार बार ऐसे दंगे होते रहते हैं और बेकसूरों की जान चली जाती है। गुरुसेवक था जो, उसका इसमें क्या कसूर था? वो तो देश की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन उनकी जो है वहां पर डेथ हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। देख रहे होंगे सबकी आंखें यहाँ पर नम है, पूरा गांव यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर। हम बता दें आपको कि गुरुसेवक गुड़गांव न्यू जिले के अंदर होमगार्ड की ड्यूटी पे तैनात थे और वहीं पर वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जहां उनका कुछ जो द्रव्य थे वो पत्र कर देते हैं और वहीं पर ये सारी स्थिति बिगड़ती है, उसी स्थिति को काबू करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो और हैं और निवासी हैं देश के वो सेवक की श्रद्धांजलि के साथ जुड़ सके। तो देख रहे होंगे आप लाइव तस्वीरें फतेहपुरी गांव के, एक बेटा यहां पर गुरुसेवक देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है और उसी को यहां पर गांव वाले श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर गुरुसेवक को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए यहां पर शहादत दी है, अपनी जान न्यौछावर की है देश के लिए। और देश की सेवा करते करते उन्होंने अपनी जो जान है वो देश के ऊपर न्यौछावर कर दी है और आज यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनका यहाँ पर संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव फतेहपुरी की, नूह जिले के अंदर जो दंगे हुए थे वहीं पर गुरुसेवक ने अपनी जावन न्यौछावर कर दी दूसरों की रक्षा करते हुए। पूरा परिवार, गांव के लोग, राजनीतिक और जितने भी यहां पर समाज सेवी हैं, पुलिस प्रशासन, एसपी फतेहबाद, सभी यहां पर गुरुसेवक को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लड़का बेटा ही बेटा बेटा देख सकते हैं कि एक बड़ा, ये एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे होंगे गुरुसेवक का, ये बेटा है गुरुसेवक का, अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए। इतने छोटे बच्चे हैं कि इनको अभी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि इनको क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मासूम जो बच्चे हैं इनका क्या दोष था जो दंगाइयों ने गुरुसेवक की जान ले ली। क्यों ऐसे बार बार देश के अंदर दंगे होते हैं, क्यों आपस में जाति या जो नफरत है वो फैलाई जाती है और ऐसे बेटों को, इकलौता बेटा था गुरुसेवक अपने माँ बाप का जो उनके माँ बाप से यहाँ पर बिछड़ चुका है। काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर आपस में एक दो समुदायों के बीच में एक बहस चली हुई थी, उसी बहस का ये नतीजा है, उसी नफरत का ये नतीजा है जो आज गुरुसेवक को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी। राजकीय सम्मान के साथ गुरुसेवक को गांव वाले श्रद्धांजलि देते हुए उनके रिश्तेदार सभी यहां पर पहुंचे हैं और उनको यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। वो सामने जो गोद में उठाया हुआ है वो गुरुसेवक का बेटा है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि अभी वो बच्चे छोटे हैं। अब यहाँ पर गुरुसेवक को सलामी दी जाएगी। देख रहे होंगे आप गुरुसेवक को यहाँ पर सलामी दी जा रही है। उनकी पत्नी, गुरुसेवक की पत्नी यहाँ पर पहुंची है, आंखें नम है क्योंकि एक जो पति होता है वो हम एक पूरी लाइफ का जो हम सफर होता है वो उनसे अब छिन चुका है। एक जातीय दंगा ने गुरुसेवक की यहाँ पर जान ले ली। पहले जो बैंक से उतारा गया था तो यहाँ पर उनकी पत्नी ने पूरी दलेरी दिखाई थी कि किसी की भी आंखें यहाँ पर नम नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं श्रद्धांजलि उनके पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा यहाँ पर। देख रहे हैं पत्नी रो रो कर कह रही है कि एक बार घर गेड़ा मार जाती क्योंकि दुख उनको है यहाँ पर। बेहोश की हालत में यहाँ पर रोना रोना रोना
एक माँ का जिगरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बार बार माँ के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं रोती नहीं पुत्र, मैं रोती नहीं, देख रहे होंगे आप। पूरा माहौल यहाँ पर गमगीन है सब। दादाजी ओम ये गोद में उठाया है गुरसेवक का जो बेटा है, गोद में उठा रखा है और पूरा गांव यहाँ पर इसके मासूम का आप चेहरा देख सकते हैं। अभी इनको कुछ नहीं पता कि इनके पिता के साथ क्या हुआ है, लेकिन जब उन्हें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो अपने पिता को यहाँ पर खो चुके हैं। उन्होंने अपने देश की खुशहाली के लिए, देश की शांति के लिए उन्होंने अपनी यहाँ पर शहादत दे दी है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुरी गांव की, जिसमें दो नौजवान शहीद हुए थे और आज उन्हें यहां पर फतेहपुरी गांव में अब उनको सलामी दी जाएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर गुरसेवक को यहाँ पर सलामी दे दी गई है और अब उनका यहाँ पर संस्कार किया जाएगा। तो अब यहाँ पर अरदास की जा रही है बाबा जी के द्वारा। कैसे एक बेटा देश के लिए शहादत दे देता है।
तो देख सकते हैं कि शहीद गुरसेवक की अंतिम अरदास यहां पर हो चुकी है। अब उन्हें यहां पर उनका दाह संस्कार है वो किया जाएगा। सभी राजनीतिक नुमाइंदे, प्रशासन अधिकारी, जिला एसपी फतेहबाद से यहां पर पहुंची हैं। मुझे अब पूरा प्रशासन तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से शहीद नहीं माना गया है और यहाँ पर एसपी से तो देख सकते हैं तो तिरंगा देखो जी ऐसा शेख जी का दर्जा दो तो देख सकते हैं तिरंगे की मांग हो रही है क्योंकि शहीद के ऊपर तिरंगा दिया जाता है और गांव वाले यहां पर विरोध जता रहे हैं कि अगर शहीद हुए हैं तो उन्हें तिरंगा भी जरूर यहां पर पहराया जाना चाहिए। तो बड़ी एक प्रशासन की हम यहां पर नाकामी कह सकते हैं। यहां पर गांव वाले हैं वो यहां पर अपना विरोध जता रहे हैं क्योंकि यहां पर शहीद का जो दर्जा है उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें संस्कार किया जाना था। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या हो चुकी है और कैसे
यहाँ पर सभी जो रस्में हैं वो संस्कार की वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब एसपी से यहाँ पर पूछा गया कि उन्हें तिरंगा क्यों नहीं पहराया गया, तो तिरंगे के लिए यहाँ पर, क्योंकि शहीदों तिरंगे के साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और एसपी से यहाँ पर बात की जा रही है। संस्कार यहाँ पर रोक दिए गए हैं। देख सकते हैं एक राजनीति की भेंट यहाँ पर चढ़ता हुआ, एक धार्मिक दंगों की भेंट चढ़ता हुआ यहाँ पर गुरसेवक, जो एक बेटा अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और कितने बड़े शर्म की बात है, कितने बड़े दुख की बात है कि एक नौजवान यहाँ पर चला जाता है और उसे शहीदी का दर्जा लेने के लिए भी यहाँ पर गांव को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमारी जो राजनीति है वो कितनी धुंधली हो चुकी है, किसी को भी कोई परवाह नहीं कि किसी का बेटा चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी। और यहाँ पर सभी राजनीतिक नुमाइंदे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, देवेंद्र सिंह बबली, सुहास बराला और परमवीर, सभी जो यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और परिवार के लिए पर शहीद का दर्जा है और बोला गया था कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अब जानकारी हम लेंगे कि क्या हुआ है ऐसा, जो ने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, तब कहा जाते हैं इनको आगे कर दिया जाता है। तिरंगे की बारी इनको पीछे कर दिया गया। दो दिन से ये हालात हमारे देश के अंदर, पहले जाति के नाम पे भड़काया जाता है, वोट बैंक की राजनीति है ये। आबादी वो खतरे में है, 9 साल से 2% वाला सिख वो खतरे में नहीं है क्या? वो कभी उन पर कभी खतरा ही नहीं आया। आप क्या रोक लगाते हैं, क्या रोक? ये ड्रामा रचा गया हमारे साथ, हमारे गांवों पर नमक छिड़का गया है। ओनली ये राजनीति है, सिर्फ वोट की राजनीति की गई है सभी पार्टियों की तरफ से। हमारे साथ नाम सब हो रही है इस देश के अंदर, कानून नाम की चीज नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर ग्रामीणों के बड़े आरोप हैं यहाँ पर, और बड़े राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर गुरसेवक को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और यहाँ पर तिरंगे के लिए तिरंगा क्यों नहीं उड़ाया गया गुरसेवक को, यहाँ पर हंगामा हो चुका है। और गांव वाले अपनी जिद पर अड़ चुके हैं कि अगर सम्मान देना है तो पूरे तरीके से दीजिए। आज गांव वाले 2 दिन हो गए इसी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि गुरसेवक को राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर संस्कार किया जाएगा। बड़ी लापरवाही यहाँ पर हम मानेंगे प्रशासन। तो मंगाया जा रहा है, बोल रहे हैं कि तिरंगा मनाया जा रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं कि गुरसेवक को हमारे भाई ने, शहीद गुरसेवक ने जो नाम किया है, देश में नाम किया है, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे जवान को तिरंगे में लपेट के लाना चाहिए था, हमारे जवान को प्रशासन ने कोई मान सम्मान नहीं दिया। इसलिए जब तक हमारे जवान को पूरा मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम इसको दाह संस्कार नहीं करने देंगे। और आगे से भी हमारी यही मांग है, मांग भी है प्रशासन से, जब भी हमारे किसी भी जवान का साथी के साथ ऐसी घटना घटती है तो उसको पूरा मान सम्मान दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपए के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके उसके परिवार वाले। हमारी बस यही एक मांग है। देख सकते हैं होम गार्ड के जवान है और इन्हें शहीद का जो सम्मान दिया जाना था वो पूर्ण रूप से यहाँ पर शहीद का सम्मान नहीं दिया था। सरकार ने तो अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने तो ये कहा था भाई आपको जो हमें शहीद का दर्जा मिलेगा, लेकिन ना तो शहीद का दर्जा घोषित किया ऐसे प्रशासन ने, ना हमारे जवान को तिरंगे में लपेट के लाया गया। हमारे जवान की ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ, ये तो होमगार्ड महकमा पूरे तन मन से पुलिस प्रशासन के साथ किसी भी आपदा में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, और आज उसके साथ इतना घिनौना
काम हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरियाणा में हरियाणा सुनो भाई, मांग क्या थी कल हमारी बात ये थी कि दर्जा होगा शहीदी का, ठीक है ना, तिरंगा नहीं है। जिसकी भी ड्यूटी थी ना तिरंगा लाने की, वो गलत है, उसको ठीक है, पैसा पैसा रखा जाए बाहर में, ठीक है। एक चाहिए नौकरी, बच्चे की नौकरी है, परिवार में नौकरी, जो भी उसकी वाइफ है या और कोई उसका ड्यूटी तिरंगे की, सुनो ध्यान से, जिसकी ड्यूटी थी तिरंगा लाने की, उस घटिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जवान है, शहीद हुआ है, बच्चों को खेल खेला क्या, ठीक है, तो चल रहा है, तो तिरंगा क्यों नहीं यहाँ पे, जिसकी थी ड्यूटी वो है कौन, उससे कार्रवाई हो, मजाक कर रखा क्या। हमारे साथी को बात है ना, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। कल हमारी बात ये हुई थी कि तिरंगे के साथ राजकीय सम्मान होगा, और राजकीय सम्मान हुआ नहीं है साथ तिरंगे के, तो गलत है ना ये तो, मतलब क्या कहते हैं, कितने बेहूदा काम किया है, ठीक है, एसपी साहब आए, मैडम ठीक है, लेकिन किसकी थी ड्यूटी यहाँ पे लगाने की तिरंगा, बात है ना, ये अपमान है शहीद का। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं शहीद का दर्जा दिया जाए हमारे जवान को, और तिरंगे में लपेट के इनका जो है मान। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनके अंदर गुस्सा देखा जाता है, क्योंकि उन्हें जो शहीद होता है उसको तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है, और यहाँ पर बड़े आरोप जो कह रहे हैं कि गुरु सेवक सिंह को यहाँ पर राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उनको यहाँ पर तिरंगा नहीं पहनाया गया है। और बड़ी देख सकते हैं यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें फतेहपुरी गांव की, और बड़े राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर गुरप्रीत का दाह संस्कार किया जा रहा था, लेकिन गांव वालों ने यहाँ पर संस्कार रोक दिया गया है, और यहाँ पर एसपी से बात की जा रही है, और पूरे गांव में यहाँ पर गुस्सा देखा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को शेयर करें, ताकि वो जो उच्च अधिकारी हैं ऊपर तक, जो हमारे जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उन तक ये आवाज गांव वालों की वो पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें, लगभग 340 के करीब यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो गुरप्रीत है उसको यहाँ पर पूरा मान सम्मान यहाँ पर मिल सके। तो देख रहे हैं आप, हमारे जवान भी तो एक बड़े आरोप गांव वालों की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं, और तो देख सकते हैं होम गार्ड के जो जवान है उनके अंदर गुस्सा देखा जा सकता है। उन्होंने कहना है कि जब तक हमारे साथी को मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि होम गार्ड को एक ऐसे समझा जाता है जैसे ये घर से फालतू हो। पुलिस प्रशासन के साथ एक पक्की ड्यूटी होती है, उनके साथ ये कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं सबसे पहले होम गार्डों को आगे भेज दिया जाता है, और उन्हें बलि का बकरा यहाँ पर बनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पर बैठ चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर धरना लगाना शुरू कर दिया है, और प्रशासन देख रहे होंगे आप, सभी एसपी यहाँ पर पहुंचे हैं। दो मिनट बैठ जाओ, एसपी हैं यहाँ के जो एसपी महोदय है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपी जो हमारे जिले की है आस्था मोदी, वो कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पर। चुप कर जाओ, सुनो भाई, हेलो, मांगे शांति से करो, अल्लाह को नाम देखो, आपने होगा शांति से आपने मांग रहे हैं, सुनो मैं जी वीडियो खोल रहा है अंदर अंदर सलामी
तो इसीलिए है क्योंकि ये ऑन ड्यूटी रह रही है, इसीलिए सलामी दी गई है, वरना सलामी नहीं दी जाती। जो डेथ ऑन ड्यूटी नहीं होती उसको सलामी नहीं दी जाती। जो सलामी दी गई है हम लोग कब आए इसीलिए आए क्योंकि ऑन ड्यूटी रह रही है, और इस चीज को हम समझते हैं कि ऑन ड्यूटी रह रही है हमारे साथ पुलिस के मुलाजिम के साथ खड़े हुए थे। दो मिनट वहाँ पे डेथ भी इस बात को समझते हैं कि जो सारा प्रोटोकॉल है वो उसी के हिसाब से फॉलो किया गया है। आप लोगों को तिरंगे का लगता है हमने तिरंगा मंगवा लिया, पाँच मिनट में आ जाएगा। जो भी बात जहाँ पे भी बात जो भी देना है, जो भी डिमांड्स है, जॉब की है, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, जो भी है, आर्थिक सहायता तो मेरे ख्याल से गुड़गांव पुलिस अनाउंस कर चुकी है। सब्सटेंशियल आर्थिक सहायता जहाँ तक मुझे पता है 57 लाख की आर्थिक सहायता हो चुकी है वहाँ से आर्थिक सहायता, और जो नौकरी या जो भी डिमांड्स है वो आप मुझे राइटिंग में दे दीजिए, वो मैं बिल्कुल फॉलो अप करूंगी, वो मेरा काम। मैडम जी तीन डिमांड कर रखी है सरकार से, कल ऑलरेडी भेज दिया सीएम साहब के पास जो गृह मंत्री जी है, और मैडम उसमें ये मांग की थी कि जी मैडम 1 करोड़ रुपया हो, आप लोग सुनोगे क्या? सुनो यार। नंबर दो मैडम ये है कि जो इनकी जो वाइफ थी मतलब शहीद की मैडम, उनको नौकरी का मतलब नौकरी मिले, पैसा क्या है मैडम, चीज आने जाने होती है, नौकरी चाहिए मैडम जो बच्चे की नौकरी होगी। हाँ रुको एक मैं एक ने बोलूं एक जो मेरे हाथ में मैं वो फॉलो अप जीन जिला के अंदर गुलकड़ी के अंदर कब्जा कार्रवाई पे गए थे, जो कि हमारे साथ में होमगार्ड गए थे, वहाँ पे पथराव हुआ था, मेरी टांगा में लग गए थे पत्थर, वो भाकम हो गया। हाँ बोलो जी बोलो, हाँ बैठ जा और कुछ जसवीर बोलो जसवीर कहाँ गए? डेड बॉडी के साथ जसवीर मैं डेड बॉडी वहाँ मुझे दे रहे थे ना, मैंने उनको यही सवाल किया था कि जब तक ये शहीद नहीं माना जाएगा मैं डेड बॉडी नहीं लेके जाऊँ। उन्होंने उस टाइम आश्वासन दे दिया 1 करोड़ रुपए बोले थे, अभी यहाँ 57 लाख की बात हो रही है। नहीं मेरे पास सुनो भैया, हेलो सुनो मैं बताता हूँ मैडम मैं बोलता हूँ जी मैडम जी मैं बताता हूँ मैडम जी सुनो, अभी ये समय नहीं है कि हम जेल के पचास की बात सुनो मैडम जी मैं बताता हूँ रुजा मैडम जी ऐसा है सुनो मैडम जी आप मुझे लिख मैं बात करूँ मैडम सुनो छोटू सा सुना अरे मेरी बात सुनिए सुनो मैडम 57 लाख दे दिया सीपी ने गुड़गांव से, और हम 30 लाख जो घोषणा है वो मतलब डीजी साहब ने की दी है होमगार्ड ने, तो 87 हो गए ठीक है ना, प्लस में बात हो चुकी है पेंशन की और बात चली नौकरियां नहीं, आपको मिलेंगे 57 वहां से और 30 लाख रुपए डीजी होमगार्ड से छोटे भाई। ये तो फाइनेंशियली बात है। हाँ हाँ बाकी तो मैडम ने कहा नौकरी का मिले नौकरी का मैडम वो सुनो बस सुनो मैडम जी बाकी डिमांड दे देंगे डिमांड आपकी मैडम रिकमेंडेशन करके भेज देगी ऐसा सुनो ये छोड़ो यार ये सुनो मैं लिख के दे दूंगा ठीक है ना मैडम को, और तिरंगा आ रहा है ठीक है ना, और बाकी अपने जो भी ये कैम नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है थैंक यू मैडम जी इनका भी भाई है ऐसा नहीं है। हाँ सुनो ध्यान सुनो तिरंगा आ रहा है मैं तिरंगा मंगाऊंगा मेरी बात सुनो अरे तिरंगा आएगा अरे तिरंगा अरे मेरी बात सुन तिरंगा आ रहा है बैठ जाओ भाई बैठ जाओ तिरंगा आएगा तो बात बैठ जाओ पहले तिरंगा आएगा फिर संस्कार फिर दिक्कत देने का काम मत करो दिक्कत बैठ जाओ बैठ जाओ
तो देख रहे हैं आप यहाँ पर एक प्रशासन की बड़ी लापरवाही, शहीद गुरसेवक को यहाँ पर तिरंगा नहीं उड़ाया गया और एक बड़ी लापरवाही हम यहाँ पर कह सकते हैं। गांव वालों ने यहाँ पर एसपी से बात की जा रही है कि उन्हें एक नौकरी दी जाए उनकी पत्नी को और उन्हें पूरे मान और सम्मान के साथ जो शहीदों के श्रद्धांजलि दी जाती है उनको यहाँ पर दी जाए। तो यहाँ पर गांव वाले अड़ चुके हैं और उनका यहाँ पर संस्कार नहीं किया जा रहा। तो देख सकते हैं कि एक बड़ी चूक हुई है प्रशासन से, यहाँ पर उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया था और शहीदों को तिरंगे में लपेट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और गुरसेवक को साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है। अब देख रहे हैं फतेहपुरी की जो तस्वीरें हैं। एसपी गुरसेवक के भाई के साथ यहाँ पर बात करते हुए बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कि एसपी के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा और आराम से किया जाएगा, आराम से किया जाएगा। सुनो हम अब है जो एसपी हैं यहाँ की आस्था मोदी उनसे बात करेंगे। तिरंगा आने के बाद भैया होगा सरकार। तो देख सकते हैं कि जो बड़ी चूक हुई है। मैडम बताएंगे कि जी एक्चुअली जो इनकी मांगे हैं वो हम फॉरवर्ड कर देंगे गवर्नमेंट को, हम लोग इंडोर्स करके फॉरवर्ड कर देंगे सरकार को जो इनकी मांगे हैं। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सलामी वगैरह होनी चाहिए थी वो सारा प्रोटोकॉल हमने फॉलो कर लिया है। इनका एक एडिशनल डिमांड है कि तिरंगा भी होना चाहिए तो वो भी हमने मंगवा दिया है। वैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो था वो ऑलरेडी हमने कर दिया था। मैडम किसकी बड़ी चूक मान रहे हैं आप? तिरंगा तो पहले होना चाहिए। नहीं जी, सलामी होती है, सलामी भी आउट ऑफ टर्न है, सलामी भी हमने करवाई थी क्योंकि हम मानते थे कि ये व्यक्ति जो है मौके पे इनकी ऑन ड्यूटी इनकी डेथ हुई है। तिरंगे का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं होता पर क्योंकि परिवार वालों की गांव वालों की डिमांड है तो हमने मंगवा दिया है तिरंगा। तो इनकी क्या डिमांड पूरी की जाएगी? वाइफ को नौकरी जी, जो इनकी डिमांड है वो हम फॉरवर्ड करेंगे गवर्नमेंट को, मैं इंडोर्स करके फॉरवर्ड करूंगी गवर्नमेंट को। तो देख सकते हैं एसपी आस्था मोदी मैडम ने यहाँ पर विश्वास दिलाया है कि ऐसा कोई जो पुलिस में मुलाजिम होते हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता तिरंगे का, लेकिन गांव वालों की डिमांड पे यहाँ पर गुरसेवक को है तिरंगे के साथ यहाँ पर राज के सम्मान किया जाएगा। तो देख रही हैं ले मेरे को आगे जाने दे भाई, एक बार आगे जाने दे, छोटी भाई एक बार आगे जाने भाई। हेलो साहब दी लो भी जाने जी, फिर हुन भी रही हाल होगी अगे भी ना मिले ना। अरे आप उल्टा बोल रहे यार, ये क्या मतलब बात कर रहे हो आप लोग? आगे ना मिले पैसे मिले मिला ये इतना भी कैसे हो रहा है? अरे भाई मांग बांट रहे उसके तरंगे। ये जो हमारे जो होमगार्ड दफ्तर वो कहाँ पे है? कोई गलती नहीं है पुलिस की? गलती जो हमारे जो हमारे दफ्तर होमगार्ड गलती उनकी है ना? तिरंगे की सिर्फ तिरंगे बाकी है भाई। हाँ जी
ऐसे टाइम ऐसी बात ठीक नहीं मतलब ठीक है आ रहा मतलब तिरंगा ठीक है बात भाई एक तो माँ मार रहे भाई चलो बहुत बात है ना मतलब कभी किसी के पूरे होते कभी भी मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई आज तक होम गार्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ इतना चल रहा है उतना देखो आप लोग शांत रहो सब लोग साथ हैं सरपंच साहब वहाँ घूम रहे हैं ठीक है ना आप खुल जाओ चलो सरपंच साहब रात से वही है उनका भाई वही पे है जवान भाग लगे हुए मेरे भाई सब कर रहे हैं ठीक है ना बात ये प्रशासन भी हमारा अच्छा सहयोग कोई आप कोई मांग हो भैया बताओ हम तो और लिख देंगे बताओ आप लोग भैया नौकरी की बात भी वो मैडम बोल दिया कि जो सरपंच साहब है कोशिश चल रही है एसपी मैडम ने बोल दिया है ऑफिस में जाके मिल लेंगे और जितना भी सहयोग कर सकेंगे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे साथ क्या करेंगे पुलिस प्रशासन हमारा पूरा पूरा सहयोग कर रहा है। ऐसा सुनो सुनो ध्यान से 87 लाख की जो घोषणा हो चुकी है बच्चे 3 लाख भैया वो भी करेंगे ठीक है ना कहने वाला आपको बात तो प्रधानमंत्री हमसे तिरंगे की बात तिरंगा आ रहा है मान सम्मान है यही बात है तिरंगा आएगा घोषणा ठीक है ना शिक्षा बात है मंत्री का बात है ना जो बात मंत्रियों के भैया वो क्यों आए क्या ठीक है चलो आके बात करें उनसे भी बात करेंगे ये टाइम नहीं है बात करेंगे की है अपने मान सम्मान उनसे भी खुले बात मान को मान लेके गए हैं उनको हर बार तो देख रहे हैं गांव वाले यहां पर जो संस्कार है गुरुसेवक का यहां पर रोक दिया गया है और तिरंगे की यहां पर मांग की जा रही है जो गांव वाले हैं यहां पर बैठ चुके हैं बड़ी तो उनका कहना है कि प्रशासन का ऐसे ही होमगार्ड आज तक कोई ऐसा होमगार्ड को कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है पहला ऐसा है जो यहाँ पर होमगार्ड को शहीद का दर्जा दिया गया है और तिरंगा यहाँ पर लाया जा रहा है अभी जो गुरुसेवक है जो पत्रकार होते हैं भैया इस बात पे ध्यान दे जो यहाँ पे मंत्री आए थे पूर्व मंत्री थे पूर्व एमएलए थे भैया यहाँ पे बूथ खाने आए थे क्या वो नाम तो नहीं थे आपका कि चुनाव आ रहे हैं वो क्या करके गुड़गांव वो एक दिन नहीं गए यहाँ पे फोटो यहाँ फोटो खिंचाने आके क्या अरे 200 के वो बोल के वो बकवास करके फूल चढ़ा के फूल चला पूजा पता क्या वो आए क्या यहाँ पे क्या कोई लड्डू बट रहे यहाँ पे बकवास बट गया गुड़गांव में भाई शहीद पड़ा है वहाँ पे भैया वहाँ क्यों नहीं गए देखने यहाँ पे क्यों आ गए कि इनके पास में क्या है चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे पूर्व एमएलए हो यहाँ पे आए क्यों बात है ना आप पूछते लोग कि भाई आए तो भाग के चले गए जब संस्कार हुआ ही नहीं है फिर वो चले गए चाहे कोई भी हो ये करो चलो चलो खड़े पेटा के नीचे छाम है अरे भाई वो तो हम मीडिया वाले भैया सिंह मौके के देख रहे ही मैं प्रधानमंत्री साइड दे दो मानो मैनू साइड दे दो हमारे तरफ से मांग यही है कि जो बहन है उसे नौकरी जो मिले ठीक है सर जी डिमांड ये है सर हमारे तरफ सरकार से आपकी है लाइन ऑर्डर आप किसकी तरफ से सर मैं श्री से प्रधान होमगार्ड का मैं जी है सर मैं प्रधान हूँ होमगार्ड का होमगार्ड नाम क्या आपका सर चंद्रपाल तंवर चंद्रपाल तंवर चंद्रपाल मिला सर मैं आपसे वापस लेवल पे हूँ जी सर ठीक है जी सर क्या कहना चाहेंगे इनकी मांग उठ के आ रही है ये मांगने के बारे में देखिए एक तो
पहले भी हमने कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि हमारे फतेहपुरी गांव का बड़ा होनहार जवान गुरुसेवक समाज के काम के लिए, राज्य के काम के लिए इसने अपनी शहादत दिए, प्राणों का बलिदान दिया है। और जहां तक मांग की बात है, जो भी मांग, क्योंकि पहले हमारे जानकारी में कोई इस प्रकार की बात आई नहीं थी, लोगों के माध्यम से यहाँ गांव के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके माध्यम से एक बात आई है, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ कि इनकी जो भी मांगे हैं सरकार के सामने उनको रखा जाएगा और किस प्रकार से ये मांग पूरी हो इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर पता है कल से मैं वो ठीक है, यही समर्थन दे रहे हैं हमारे सामने तो कोई बात ही नहीं कह रहा, अभी हम कर देंगे भैया। ठीक बात है आपकी, अब हमें तो पहले पता ही नहीं ना इस बात का, मैं कल भी संपर्क में था, आज भी सुबह संपर्क, लेकिन चीजें चर्चा नहीं करिए, चर्चा पहले आ जाती, हम पहले बात पूछा देते हैं ऊपर। सर आप भी सरकार में है तो ये जो मांग उठ के आ रही है आप इसके बारे में क्या कहते हैं? गुरु सेवक का सरकारी ड्यूटी पे इस तरीके से शहादत का होना बहुत दुखद है, हमारे सबके लिए अफसोसजनक है। अकेला माँ बाप का बेटा था। और जहाँ तक ये जो मांग है गांव वालों की, उचित है, जायज है, उनकी जो ये होमगार्ड की उनकी एसोसिएशन है उनकी बात भी ठीक है, लेकिन हर चीज नॉर्म के तहत सरकार विचार करके करती है। हम तो जैसे बराला जी ने कहा, हमारा जितने भी राजनीतिक दल हैं हम सभी मिलकर के सरकार से बात करेंगे। हमारा तो क्षेत्र है, हमारा गाँव है, हमारा फर्ज बनता है कि जितना हो सके हम इनको सुविधा दिलवा सके, तो हमारा प्रयास रहेगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ऐसे समय पे कोई राजनीति करना या कोई किसी तरह का जैसे डेड बॉडी हमारे बीच में है ऐसे उसको रख करके हम ये विवाद खड़ा करें तो शायद वो उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। हम सभी मिल करके अपने शहीद के लिए जो पर्याप्त जो सुविधाएं मिल सकती है उनका उनके परिवार को वो दिलवाने का काम करें। सर मैं होमगार्ड जीन से हूँ, विनोद कुमार नाम है मेरा, काफी पुराने समय से हमारे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो विवाद है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर मांग की जा रही है और सभी जो मांग है उनकी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मान ली जाएंगे, तो देख सकते हैं कि हंगामा यहाँ पर है। ऐसा भाई सुनो, सबको शांत रहो भैया, कोई झूठ नहीं यहाँ पे, कुछ ठीक है, भगवान से ठीक है भैया। भाई जो भाई सारे तिरंगा है तो बात संस्कार होगा, सारे नीचे बैठ जाओ भाई। तो देख रही हैं यहाँ पर तिरंगा नहीं दे जाने के कारण यहाँ पर विरोध है, यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर लगातार तिरंगे की मांग की जा रही है। और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसपी हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर परिवार की सभी मांगे यहाँ पर मानी जाएंगी, लेकिन तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हंगामा है जो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और संस्कार को यहाँ पर बीच में रोक दिया गया है। यहाँ पर हम सभी मंत्रियों से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्यों भाई छोटे भाई तेरे साथ खड़े, सरकार खड़ी, तेरे बीच में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट चाहिए मैडम की चाहिए पूरी मदद करेंगे। राजनीति ना करे, अपना दिमाग सही दो है, अपने पूरे गाँव की है, ऐसा अच्छा लगता, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा भाई सर तेरे साथ है, सर अपने बात करो भाई। मैंने अच्छा 101% करा के जहाँ मदद होगी पूरी दिल के साथ पूरे काम के साथ।
ऐसी बात नहीं है की हमें कोई चिंता नहीं थी या हमें कोई सोच नहीं थी, हम लोग सब इसीलिए आए इसीलिए ना क्योंकि हमें सोच थी। अगर हम नहीं आते फिर तो आप बोलते आपको सोच नहीं है, जब हम यहाँ खड़े फिर आप बोले आपको बात गलत है। जो सारी चीजें हुई है वो सारी प्रोटोकॉल से बढ़ के रही है हमने करी है इस टाइम, और आगे भी कराऊंगा भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं, मनोज जी मंगा दो तिरंगा मंगा दो आगे आ गया उठाने का बड़ा टीटी बिटा।